हेलो दोस्तों, माय नेम इज साहिर मंसूरी एंड यू आर वाचिंग नॉलेज नेवर डाइज। दोस्तों, जय भीम मूवी जिसका नाम लेने से बड़े बड़े लोग कतराते हैं, उस पर पूरी एक मूवी बना देना, उस नाम की पूरी एक मूवी बना देना अपने आप में एक काबिले तारीफ है। आज हम जय भीम मूवी का कोई रिव्यू करने नहीं आए हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हम लॉ से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एडवोकेट का किरदार इस मूवी में निभाए है जस्टिस के चंद्रू, उन्होंने जो अपनी बातें कोर्ट में रिप्रेजेंट की थी, जो प्रेजेंट की थी उन्होंने बातों को, तो जो जो बातें उन्होंने रखी है बहुत ही विस्तार से उन्होंने रखी है, और अपने पक्ष को बहुत अच्छे से रखते हुए कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने फैसला भी बड़े अच्छे से उनको दिया था। जो एक्टर है सूर्या सर, जिन्होंने किरदार निभाया है जस्टिस चंद्रू का, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक पिछड़ा जो समाज था उस समाज पर एक समय से अत्याचार किया जा रहा है पुलिसों द्वारा या पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो इस फिल्म जय भीम में उन मुद्दों को रखा गया था कोर्ट के अंदर। लेकिन आपने क्या गौर किया है कि बहुत सी बातें रखने के बावजूद, मैं नहीं कहता कि ये नेगेटिव पॉइंट होगा, कि जब इस मूवी में देखा होगा आपने कि रात के वक्त जो फिल्म में जो विक्टिम था, जो पीड़ित था, जिसको पुलिस अरेस्ट के दरमियान में जिसकी हत्या कर दी जाती है पुलिस कस्टडी के अंदर ही, उसकी जो वाइफ थी संगिनी, जो कि अपना केस लेके जस्टिस चंद्रू के पास जाती है, एडवोकेट चंद्रू के पास जाती है। जस्टिस वो बाद में बनते क्योंकि ये एक रियल कहानी भी है। मैं आपको बता दूं कि ये एक रियल कहानी है। जो एडवोकेट चंद्रू थे बाद में वो एक जज भी बनते हैं, जस्टिस के चंद्रू बन जाते हैं उनका नाम है। तो मैं बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि जो संगिनी है, जो महिला रहती है इसमें, जो केस लेकर जाती है एडवोकेट चंद्रू के पास में, उनको इस मूवी में देखा होगा आपने कि रात के वक्त अरेस्ट किया जाता है। तो ये जो बात थी वो कोर्ट के अंदर नहीं रखी गई इस मूवी के अंदर, क्योंकि आप जानते होंगे ये भी एक कानून का वायलेशन है कि किसी भी महिला को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, बिटवीन दिस टाइम आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। पूरा एक केस चला था शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये केस था 1983 का, और ये जो मूवी है जय भीम इसकी स्टोरी बताई गई है 1993 की। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस मूवी में इस बात को कैसे पेश किया जाएगा, जबकि केस 1983 का था, 10 साल पहले का था। अगर चाहते थे तो इस मूवी के अंदर इस बात को प्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन हम कहते हैं कि हर चीज एक्सप्लेन करना मूवी में, ये कोई 8-12 घंटे की तो मूवी रहती नहीं है, 2.5-3 घंटे की मूवी रहती है, उस हिसाब से मूवी बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का क्या केस था, और इसमें वुमेन्स के प्रोटेक्शन की किस किस्म की बातें की गई है कि कस्टडी में जब उनको डिटेन किया जाता है महिलाओं को, तो उनको क्या क्या अधिकार है और क्या क्या उनको चीजें दी जाती है। तो शीला बरसेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था 1983 का, इसमें जो शीला बरसे एक जर्नलिस्ट थी वो मुंबई की एक जेल में जाती है, वहां जाकर वो इंटरव्यू लेती है जो लॉकअप में बंद थी महिलाएं, और 2-3 फॉरेन महिलाएं भी थी। जब उनसे पूछा जाता है तो वो महिलाएं बताती है कि जेल के अंदर उनके साथ में फिजिकल टॉर्चर होता है और उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं। फिर जो ये जर्नलिस्ट है ये लेटर लिखती है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में पूरा एक केस चलता है, नाम फेमस होता है शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें होता यह है कि कुछ गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट देता है, तो 5 से 6 जो गाइडलाइंस दी गई थी उसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये नॉलेज आपके लिए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है, ये इस गाइडलाइंस में सबसे पहले बताया गया है कि पहली गाइडलाइंस ये है कि अरेस्ट की गई महिला को एक सेपरेट लॉकअप में रखा जाएगा, ना कि पुरुषों के लॉकअप में, और अगर पुलिस स्टेशन में कोई लॉकअप नहीं है तो अरेस्ट की गई महिला को एक सेपरेट रूम में रखा जाएगा और एक फीमेल पुलिस ऑफिसर वहां पर उनको अलॉट की जाएगी। दूसरी गाइडलाइन ये देखिए आप कि जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो सनसेट और सनराइज के दरमियान में फीमेल यानी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये भी बात याद रखनी है आपको। मूवी में क्या हुआ था कि संगनी जो किरदार जिसने निभाया है उसको रात में पुलिस आके अरेस्ट की जाती है, तो इस मूवी में जय भीम में जो एडवोकेट थे चंद्रू, उन्होंने ये पक्ष अपना नहीं रखा कोर्ट के अंदर। अगर वो चाहते तो ये रख सकते थे अपना जो केस, अपना जो एक
हैबियस कॉर्पस की जो इन्होंने रिट पिटीशन डाली थी उसमें इस बात को वो रख सकते थे। लेकिन मैं जैसे बता चुका हूँ कि ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। गाइडलाइन ये दी गई है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको अरेस्ट करने से बचे अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो। इसके अलावा ये देखना ज़रूरी है कि जो अरेस्ट की जा रही है जिन महिला को, उनके जो बच्चे का मामला है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, अरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हलचल में कहीं बच्चा डैमेज नहीं हो जाए, इस किस्म की गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसके अलावा जो लेबर वुमेन्स है उनको भी उनके कामों से नहीं रोकना चाहिए। हमने देखा था मूवी में जय भीम में कि जो संगिनी थी वो तो लेबर ही थी, लेकिन उनके साथ में किस किस्म का दुर्व्यवहार किया गया है। इस पिक्चर में बहुत अच्छे अंदाज में इस जय भीम मूवी में एक एक पक्ष को अच्छे से रिप्रेजेंट एडवोकेट चंद्रू ने किया था। और ये एक रियल स्टोरी है, बहुत अच्छी मूवी है, मैं आपको देखने के लिए रिकमेंड करूँगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। और जो एडवोकेट्स हैं यानी लॉ से रिलेटेड जिनकी फील्ड है उनको ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।